हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फाजिल एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल क्रेजी गार्डनिंग। सो फ्रेंड्स, आज फिर से मैंने एक एडीनियम की तीसरी शॉपिंग की है। पहली शॉपिंग मैंने पूर्णिमा ग्रीन नर्सरी कोलकाता से की थी और दूसरी शॉपिंग जो थी वो अयान घोष नर्सरी कोलकाता से की थी। ये मेरी तीसरी शॉपिंग है, जो मेरी दो शॉपिंग थी। आप लोगों ने काफ़ी उस वीडियो को लाइक किया है, दोनों वीडियो को। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग इतने व्यूज़ देते हैं, इतने व्यूज़ आए उस वीडियो पर। तो मैंने एक तीसरा जो बायर थे उनसे मैंने एक ये एडीनियम परचेज़ किए। एक्चुअली इनसे एडीनियम परचेज़ करने का एक पर्पज़ ये था कि इन्होंने मुझे बोला था कि इनके पास ट्रिपल ग्राफ्टिंग और डबल ग्राफ्टिंग के एडीनियम्स हैं। तो इन्होंने बोला कि 1200 यानी कि 1200 रुपये का एक कॉम्बो पैक है, तो ये मुझे प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो कॉम्बो पैक है, इसके फोटोग्राफ्स और कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने स्क्रीन पर दिया है, आप लोग देखते रहें। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिन साहब से मैंने परचेज़ किया है, ये सयांतन गांगुली करके ये साहब हैं और बहुत ही लीनियंट, बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, किसी के भी फेवर में नहीं है ये वीडियो, ना ही कोई पैसा लिया गया है इस वीडियो को बनाने के लिए। और आपको पता है कि मेरे जो व्यूज़ होते हैं हमेशा जेन्युइन व्यूज़ ही मैं देता हूँ। जो भी रिव्यू मैं करता हूँ वीडियो का, जहाँ से भी मैं ऑनलाइन परचेज करता हूँ या जो भी है, वो मेरे अपने जेन्युइन रिव्यू होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं। तो इनके बारे में मैं जेन्युइन और लीनियंट एंड रेस्पॉन्सिबल फ्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इनसे जो ऑर्डर बुक किया था वो 29th of May को मैंने ऑर्डर बुक किया था और 1200 मैंने इनको ट्रांसफ़र किए थे गूगल पे के थ्रू। तो फ्रेंड, अब होता क्या है कि इन्होंने मेरा पूरा पैक किया, इन्होंने मेरा पूरा पार्सल तैयार किया और इन्होंने एक्सप्रेस बी के थ्रू वो पार्सल मुझे सेंड किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड, क्या रहता है कि एक्सप्रेस बी बहुत ही ज़्यादा लेजी कोरियर फैसिलिटी है। मैं एक्चुअली अमरोहा से बिलोंग करता हूँ, कोरियर आना था अमरोहा, कोलकाता से अमरोहा कोरियर डिलीवर होना था, लेकिन बीच में मुरादाबाद एक एरिया पड़ता है, तो वहाँ पर ये कोरियर एक्सप्रेस बी वालों ने डिलीवर नहीं किया। आपको यकीन नहीं होगा कि 40 दिन तक के करीब, लाइक 40 डेज तक ये कोरियर जो था ये वहीं पर पड़ा रहा, एक्सप्रेस बी के पास जो ये कोरियर वहीं पर, और उन्होंने डिलीवर नहीं किया। जबकि मुरादाबाद से और अमरोहा की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो हार्डली आपको 40 मिनट ही लगते हैं वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि ये पार्सल मेरे पास तब तक डिलीवर नहीं हो पाया। 40 डेज भी हो गए लेकिन ये पार्सल डिलीवर नहीं हो पाया। तो मैंने इन साहब, ये जो सयांतन गांगुली हैं, सयांतन गांगुली जी को मैंने बार बार कॉल किया, तो इन्होंने मेरी हर कॉल को बहुत ही पोलाइटली अटेंड किया, उसका बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी से जवाब दिया। ऐसा नहीं था कि जैसे मैंने और एडीनियम परचेज़ किए कि एक बार मैंने ऑर्डर कर दिया लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं था, कुछ नहीं था। हालांकि मुझे वहाँ से पार्सल रिसीव हो गए, मेरे प्लांट रिसीव हो गए। आप देख सकते हैं, सारे वही प्लांट हैं जो मैंने ऑनलाइन कोलकाता से परचेज़ किए, ये तीसरा पार्सल है। तो इन्होंने सभी चीज़ों को, सभी मेरी क्वेरी को अच्छे से जो था मेंशन किया, अच्छे से कंसिडर किया। और ये पार्सल क्या रहता है फ्रेंड, 40 डेज़ के बाद फिर से ये वापस हो जाता है इन्हीं के पास, ये गांगुली जी के पास फिर से वापस हो जाता है पार्सल। अब वहाँ क्या रहता है, जब ये पार्सल खोल के देखते हैं तो उसमें दो प्लांट जो थे वो अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो चुके। तो इन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपको दो प्लांट चेंज करके आपको दोबारा से मैं कुरियर करता हूँ। और इन्होंने, मैंने मना किया कि आप इस बार एक्सप्रेस भी मत यूज़ कीजिएगा, आप कोई और सी कोरियर फैसिलिटी ले। तो DTDC सर्विस का इन्होंने यूज़ किया और विद इन 3 डेज ये पार्सल मेरे पास आ चुका है। तो अब हम इसकी लाइव अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस अनबॉक्सिंग में के प्लांट किस तरह के हैं, क्या हालत है, और फिर हम रिव्यू देते हैं कि इनके प्लांट हमें दोबारा से परचेस करने चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए मेरे साथ बने रहें और इनको अनबॉक्स करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पैकिंग देखें कितने बढ़िया से उन्होंने पैक किया हुआ है। पहले जो इनका की कार्डबोर्ड बॉक्स है उसमें इन्होंने थर्माकोल के कैप लगाया हुआ है ताकि ये प्लांट डैमेज ना हो ट्रांसिट में, जैसे हिलता है तो प्लांट डैमेज नहीं हो। और उसके बाद आप ये देखें कि इन्होंने हर हर प्लांट को जो है वो अच्छे से पैक किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्या हालत है। ये 40, 53 और 43
कोड है और ये प्लांट काफ़ी अच्छा कोड एक्सेप्ट है इसका, और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही लग रहा है बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा ये प्लांट। ये आप देखें 40, 53 और ये 43, और ये 3 ग्राफ्टिंग है, 1, 2, 3 अलग अलग कलर की फ्रेंड 3 ग्राफ्टिंग है, और ये तीनों ही ग्राफ्टिंग जो है वो चलने वाली है। इसको जब मैं अब रिपोर्ट करूँगा तो ये देखना आप चल जाएंगी सब अच्छे से। तो एक प्लांट ये रहता है, अब हम खोलते हैं फ्रेंड, ये दूसरा प्लांट है और ये देखें ये भी अच्छा है। यहाँ पे देखें ग्राफ्टिंग हुआ हुआ है, ये 1 ग्राफ्टिंग है और ये 2 ग्राफ्टिंग है, ये भी डबल ग्राफ्टिंग है और इसका कोडेक्स भी काफ़ी अच्छा है, आई लाइक इट। ये एन के करके है, इसका कलर मैं आपको शो कर दूंगा कि कौन सा कलर है इसका रूट कोडेक्स के। तीसरा प्लांट है और ये 22 और 21 3, यानी कि यहाँ पे भी ये डबल ग्राफ्टिंग है फ्रेंड, ये 1 और 2, ये 2 ग्राफ्टिंग है। ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली कौन से ग्राफ्टिंग उन्होंने के कलर कौन से हैं, और इसके कलर भी मैं आपको शो कर देता हूँ, काफ़ी अच्छे हैं फ्रेंड, ये कोडेक्स तो काफ़ी अच्छा है। थर्ड, इसमें मुझे कुछ कमी लग रही है, लाइक काफ़ी सॉफ्ट सा हो चुका है ये, बट लेट्स सी, देखते हैं। उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए एक्चुअली, बात तो ये है ना, लेकिन यहाँ से देखें आप काफ़ी अच्छे से ग्राफ्टिंग भी काफ़ी अच्छे से है, और ये 49 और 81 नंबर पर है, देखें 49 और 81। तो फ्रेंड देखें इनके कोडेक्स, आप देखें कितने अच्छे से इनके कोडेक्स हैं, और देखते हैं ये सर्वाइव करते हैं या नहीं, लेकिन इसका अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा फ्रेंड अनफॉर्चुनेट यही रहा कि वो कुरियर सर्विस ने डिले किया, हालांकि इन्होंने जो मुझे सर्विस प्रोवाइड की है वो उससे मैं हाईली सेटिस्फाइड हूं, और अगर आप इनसे परचेज़ करना चाहते हैं तो वो नंबर, इनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जो है लेकर के इनको कॉल कर सकते हैं, इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और चाहे तो इनसे आप पता कर लीजिए अगर इनके पास डबल ग्राफ्टेड या ट्रिपल ग्राफ्टेड अगर हैं तो ये आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू भी आपको काफ़ी ऑनेस्ट लगा होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ थंब देना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उन व्यूवर से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है जो चैनल पर आते हैं, व्यूज़ भी करते हैं, बट अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय।